राम राम जी, कैसे हैं आप सब? आप सबका आपके अपने चैनल विलेज लाइफ इच्छिवा में स्वागत है। तो आज मैं कोई रूटीन व्लॉग नहीं लेकर के आई हूँ, क्योंकि मैंने कल वीडियो नहीं शूट की थी कोई भी, और आज मेरे पास कोई वीडियो था नहीं। तो मैंने सोचा कि चलो, जो मैंने किचन के लिए शॉपिंग की थी वो मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ, क्योंकि मेरे पास कमेंट भी आ रहे हैं कि आपने किचन के लिए जो शॉपिंग की थी वो क्यों नहीं दिखाई। दिखाओ उसको भी कि आप क्या क्या लेकर के आए हो। और मैं दिखा इसलिए नहीं रही थी कि मुझे ये था कि जब हम नए किचन में सामान सेट करेंगे उससे पहले मैं किचन हॉल वीडियो बनाऊंगी। लेकिन आज के बाद, क्या आज से ये लगा लो कि हमारा जो रूटीन होने वाला है सुपर डुपर बिजी होने वाला है। बहुत सारी चीज़ें हैं आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए, शायद इतनी तो मैं शेयर कर भी नहीं पाऊँगी, क्योंकि अब घर का जो बहुत सारा काम है वो होना है, उसमें साफ सफाई होनी है, कुछ शॉपिंग और होनी है, बाहर भी जाना है, फिर सारा सामान सेट करना, और फिर जिसको आना है वो आएंगे भी, और फिर डेकोरेशन करनी। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब बस लोग आप लोगों के पास धड़ाधड़ आते रहेंगे अब। तो मैंने सोचा कि चलो, ये सामान मेरे पास रखा हुआ है, तब मेरे पास इतनी चीज़ें होंगी मैं दिखा नहीं पाऊंगी। तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो, मैंने अपने जो न्यू किचन के लिए सामान लिया है वो मैं आज आप लोगों को दिखा देती हूँ। और ये फर्स्ट पार्ट होगा, इसका सेकेंड पार्ट भी आएगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो लेनी रहती है, जो कि बहुत ज़रूरी हैं। ये नहीं है कि मैंने ये अपने बस शौक के लिए वैसे खरीदी है, मुझे इसकी काफ़ी दिनों से ज़रूरत थी सामान की, लेकिन मैं नहीं ले रही थी। वो बस इसी कारण से नहीं ले रही थी कि क्योंकि यहाँ पे ना सारा सामान सेट करके रखना बहुत बड़ा काम था और नहीं भी रह पाता था, और जो कांच की चीज़ें होती हैं, कांच के बर्तन कप, वो ज़्यादातर हमारे टूट ही जाते थे जगह के बगैर। तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो, मैं बस सब्र करके बैठी थी कि जब नया किचन बनेगा तभी मैं सामान लेकर के आऊँगी, और जैसे तैसे जो भी हमारे पास था उसमें मैं अपना काम चला रही थी। मैंने अभी हाल फिलहाल कोई शॉपिंग नहीं की, खासकर से किचन के सामान की, या फिर कोई भी शॉपिंग नहीं की, दिवाली पे ही किया होगा अगर कुछ किया होगा तो। उसके बाद मैंने घर का कोई सामान नहीं खरीदा, क्योंकि जनवरी में तो फिर हमारा सलाह हो ही गई थी, तो इसलिए। और सारा सामान यहाँ पर रखा हुआ है, चलो मैं इसको नीचे रख लेती हूँ, और एक एक करके जो सारी चीज़ें हैं वो आज आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ, क्योंकि उसके बाद मैंने आप लोगों के लिए ब्लॉग भी बनाना है जो कि कल आएगा, और उसमें भी कुछ स्पेशल आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो अब जुड़े रहिए हमारे साथ डेली, और बहुत अच्छे अच्छे ब्लॉग आप लोगों को देखने को मिलेंगे, और कुछ आइडिया भी हो जाएंगे। देखिए फोन आ गया, एक मिनट में फिर बात करती हूँ। सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ ये, जो कि मेरे पास जब से मैंने वीडियो बनाने स्टार्ट की है उसी टाइम से मेरे पास कमेंट आ रहे हैं कि दीदी चॉपर ले लो, आपके बहुत काम आएगा, चॉपर ले लो बेटा, चॉपर ले लो, बहुत सारे कमेंट। लेकिन मैं नहीं ले रही थी, ये नहीं है कि मुझे लेना नहीं था, ये था मुझे कि नहीं, थोड़ा सा अच्छा लगेगा, मैं जब हमारी नई किचन होगी तो उसी के लिए मैं नया सामान खरीदूंगी, तो इसलिए मैं नहीं ले रही थी। और ये देखिए, ये लिया है मैंने, और कलर भी ना बहुत प्यारा है इसका, मैं कलर भी देखती हूँ लेने से पहले कि मुझे किस कलर का चाहिए। ये देखिए इस तरह से है ये, और थोड़ा सा इससे छोटा भी था, वो था इसके ऊपर तो रेट बहुत ज़्यादा लिख रखा है, बोलो 621 रुपये रेट लिख रखा है, इतने महंगे थोड़ी होते हैं। मुझे ना इसका रेट सही नहीं पता कितना है, एक शायद 165 का था जो छोटे वाला था, और ये थोड़ा सा बड़े साइज के कारण थोड़ा सा महंगा दिया उन्होंने, 30-40 रुपए कुछ ऐसा ही दिया है महंगा। तो ये मैं लेकर के आई हूँ, जो कि बहुत काम की चीज़ है, और मेरा जो काम है वो आसान हो जाएगा, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, हम जैसे सब्जी बनाते हैं उसके लिए हमें मसाला तैयार करना होता है, कुछ सब्जियाँ ऐसी होती हैं जिसमें मिक्सी में मसाला पीस तो, लेकिन मुझे ज़्यादा पसंद नहीं आता, तो फिर मैं क्या करती हूँ, कद्दूकस करती हूँ उसको, प्याज को खास कर से, स्पेशली टमाटर को, तो इसमें वो मेरा काम आसान हो जाएगा, मुझे कद्दूकस नहीं करना पड़ेगा, मुझे जो मसाला मिक्सी में तैयार नहीं करना होता वो मैं इसमें अपना तैयार कर लिया करूँगा। बहुत आसान भी है, कोई ज़्यादा सामान उठाने की भी ज़रूरत नहीं है। तो एक तो लिया है मैंने ये चॉपर, और दो मैं लेकर के आई हूँ बोतल, क्योंकि मेरे पास बिल्कुल भी नहीं थी पानी के लिए, फ्रिज में रखने के लिए, हम वैसे तो फ्रिज में रखते ही नहीं हैं, बहुत कम रखते हैं, मटके का ही पानी पीते हैं कोई भी, अभी तक तो भी फ्रिज का पानी नहीं पीता, पिछली गर्मियों में हमने नहीं पिया, पीछे हम बहुत पीते थे पहले, लेकिन अब 2-3 सालों से हमने बिल्कुल कम कर रखा है। और ये मैं जो दो बोतल हैं वो लेकर के आई हूँ पानी के लिए, ज़्यादा नहीं लेकर के आई क्योंकि हमारे घर में इतने यूज होते ही नहीं है, बस ये है कि हाँ चलो
कभी कभार काम आ जाया करेंगी अगर रखनी होगी तो। और देखो ना इनका डिजाइन कितना बढ़िया है और कलर भी बहुत प्यारा है। और ये मुझे पड़ी है 150 की, दो 75 रुपए की एक वो दे रही थी। बेटा वो भी तो लेके आई थी मैं, इसके नीचे फ्रिज मैट रखे पाऊंगे मेज के नीचे, देना एक बार। इस पे जो चूल्हा रखे है ना उसके ऊपर, गैस के ऊपर लेके तो आई थी, शायद ज्यादा ऊपर देने रखे थे है ना। और एक लेकर के आई हूँ मैं ये आइस ट्रे, इसकी मुझे बहुत ज्यादा जरूरत थी क्योंकि जो हम डोंगे में बर्फ जमाते हैं ना उसको तोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। जब भी पानी बनाते हैं, कच्ची लस्सी कुछ भी बनाते हैं, उसमें हमें डालनी होती है, तो सबसे ज्यादा आलस मुझे उसी चीज को आता है। पहले उसमें से वो निकालो और फिर जो बेलन या कुत्ते के उससे वो तोड़ तोड़ करके डालनी पड़ती है, उसके टुकड़े करने होते हैं, फिर कोई नीचे गिर जाती है, कोई उस कटोरे में रह जाती है, तो बहुत ज्यादा दिक्कत मुझे होती थी उस चीज के लिए। तो मैं ये आइस ट्रे लेकर के आई हूँ। और इसकी सबसे बेस्ट चीज मुझे क्या लगी, इसके नीचे ये जो इसकी बॉटम है ना वो सिलिकॉन लगा हुआ है, यहाँ पे देखिए, तो बिल्कुल आसानी से जो भी हम आइस इसमें जमाएंगे वो बिल्कुल आसानी से निकल आएगी। बस हमने इसकी जो बॉटम है उसको ऐसे पुश करना है और जो आइस पीस होंगे वो निकल करके आ जाएंगे, ठीक है। तो ये लेकर के आई हूँ। और ये जो भी सामान मैं लेकर के आई हूँ, जैसे ये आइस ट्रे है और जो भी मैं ये इस तरह की जो टोकरी है वो लेकर के आई हूँ, सब ये जोयो की है, ये देखिए। तो एक लेकर के आई हूँ मैं ये, और ये लेकर के आई हूँ मैं फ्रिज मैट। वैसे तो मैंने बनाए थे खुद घर पर ही जो सीट आ, लेकिन वो अब फट चुकी है, मतलब अच्छी भी नहीं लग रही इतनी और फट भी गई थी, तो मैं फिर ये फ्रिज मैट लेकर के आई हूँ इस तरह के, ये डिजाइन। और ये ना बहुत महंगे दे रहे थे, कई तो ऐसे थे जो बहुत महंगे आ रहे थे, लेकिन मैं ये जो ठीक से रेट का है वो लेकर के आई हूँ, ज़्यादा महंगे वाला नहीं लेकर के आई। लेकिन मेरा मन कर रहा था कि एक दो तो होने चाहिए, फ्रिज के लिए तो नहीं, लेकिन ये है कि हाँ भाई स्लैब वगैरह पे रखने के लिए कुछ, तो देखूंगी अगर अब जाऊंगी तो फिर मैं लेकर के आऊंगी इनमें से। ये तीन है बेटा, ये इस तरह से एक वहीं पे होगा देख। तो ये लेकर के आई हूँ मैं फ्रिज मैट, मोर बने हुए हैं और अच्छे लग रहे हैं। और एक लेकर के आई हूँ, ये हो जाएगी यूज किसी भी सामान के लिए, मिल गया, कोई भी चीज हम आसानी से रख सकते हैं, किचन में भी यूज कर सकते हैं, बाकी अगर किसी और जगह पे हमें कहीं पे भी यूज करनी है तो हम इसको कर सकते हैं। और ये पेस्ट्री ब्रश होता है शायद, पहले भी था मेरे पास, छोटे था, ये 40 का आया है, जो छोटे वाला है वो 20 रुपए का आता है। जैसे हमें पूड़े वगैरह या फिर पराठे वगैरह बनाने होते हैं उस पर घी तेल लगाने के लिए हम इसको यूज कर सकते हैं। लेकिन जो मैं लेकर के आई थी और जय अब भी देख रहा है, वो भी जय ने ही ख़राब किया था ना उसको, लेकर के और ऐसे ऐसे करता था दोनों साइड, चाहे कोई भी ब्रश हो, मेकअप ब्रश हो या ये हो, सबको ऐसे यूज करता है, ये दाढ़ी बनाने लग जाता है। तो ये लेकर के आई हूँ, ये आया है 40 रुपए का। और एक और लेकर के आई हूँ मैं ये वाला, ये भी 40 रुपए का ही आया, देखो ठीक है। और एक ये ओटपोट स्टैंड, ये लेकर के आई हूँ, इसका रेट नहीं पता, पता नहीं कितना था मुझे, जो बस रेट मैंने पूछ लिए थे मुझे याद रहे वो मैं बता रही हूँ, बाकी इकट्ठा लगवाया था सामान तो इतना मुझे याद नहीं है कि भी कौन सा किस रेट का आया था। और दो लेकर के आई थी मैं ये कमांड हुक, एक पता नहीं कहाँ पे है, कहीं पर मतलब कुछ भी हैंग करना हो, कोई भारी चीज़ ना हो तो हल्की जो चीज़ें वो आराम से हैंग हो जाती हैं, तो दो मैं ये लेकर के आई थी। और इसका भी रेट मुझे अब याद नहीं है। और एक लेकर के आई हूँ मैं ये छलनी, जैसे दूध वगैरह हम गर्म करके रख देते हैं तो उसके ऊपर रखने के लिए, पहले भी लेकर के आई थी लेकिन वो हल्के में थी तो जरसा लग करके ना वैसे ही ख़राब हो गई थी, जल्दी टूट गई थी, लेकिन ये स्टील में लेकर के आई हूँ मैं थोड़ी सी बढ़िया में, ताकि जल्दी से ख़राब ना हो। और एक लेकर के आई हूँ मैं ये लेकर के आई हूँ मैं बच्चों के कपड़े रखने के लिए। वैसे तो एक मेरे पास बड़ी है, लेकिन ये है कि जैसे कुछ नए कपड़े हों या फिर कोई भी सामान हो, छोटे मोटे कपड़े होते हैं वो हम इसमें आसानी से रखते हैं। और ये 100 रुपए की आई है,
सूट ही आई है ये। ये फिर इनके जैसे जो नई ड्रेस होती है ना वो मैं तह लगा करके वैसे डिब्बों में रखती हूँ मैं, लेकिन इसमें रख दिया करूँगी, आसानी से आ जाती बच्चों की, तो इसमें कई जोड़ी। और दो लेकर के आई हूँ मैं, ये मैं फ्रिज या किचन में यूज करूँगी क्योंकि इनके साथ ना ये भी लगा हुआ है, आराम से हम इसको निकाल सकते हैं फ्रिज में से भी, और जैसे कहीं पे भी रखें, फिर में हमारे उसमें तो ऊपर स्लैब वगैरह तो हमने नहीं बनवाई किचन में, तो फ्रिज में भी बहुत अच्छी रहती हैं ये। और वैसे भी और ये मैं अलग अलग कलर की लेकर के आई हूँ, एक कलर की नहीं लेकर के आई, दो हैं ये, तो ये और लेकर के आई हूँ मैं कप, क्योंकि कप अब हमारे पास सिर्फ दो तीन कप ऐसे रहते हैं जो ठीक है, वैसे तो मैं तीन चार सेट रखती हूँ कप के, लेकिन धीरे धीरे करके सब टूट रहे थे और मैं ले नहीं रही थी, तो फिर अब बस दो तीन ही रह गए थे जो कि बहुत ज़रूरी थे कप लेने, तो ये लेकर के आई हूँ मैं ये वाले, ये देखिए इस तरह के, चलो मैं निकाल करके दिखाती हूँ आप लोगों को, ये है इसका डिजाइन। और यही चीज़ हम ऑनलाइन देखते हैं ना तो महंगी दिखाई देती है, यही कप 320-300 कुछ ऐसे ही हैं ऑनलाइन, और 250 रुपए के कप थे, बहुत अच्छे थे, लेकिन उस टाइम पे मैंने नहीं खरीदा था, उनके कुछ डिजाइन मतलब वो दे रहे थे 250 रुपए की, लेकिन मैंने ऑनलाइन देखे तो वही 400-450 कुछ ऐसा रेट था उनका ऑनलाइन, जो वो 250 रुपए में दे रहे थे। और ये मैं वहीं से लेकर के आई हूँ जहाँ पे इनका ना फिक्स होता है रेट, तो चीज़ें पसंद करनी होती हैं, लगी होते हैं सारे सेट, बस जो भी आपको पसंद आए वो ले लो। तो एक तो मैं लेकर के आई हूँ ये, और दूसरा भी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, ये मुझे निकाल करके ही दिखाने पड़ेंगे। और ये मैं टोहाना से नहीं लेकर के आई, ये यहीं पे जो मिट्टी के बर्तन आते हैं ना बेचने के लिए वो आए हुए थे रेहड़ी में, तो वहाँ से हमने लिए थे। अब आराध्या मेरी तरफ देख रही है क्योंकि ये कसूर में है, ये देखिए इस तरह के, ये देखो है ना बहुत प्यारे हैं। और ये बोल रहे थे उनको 200 रुपए के, लेकिन फिर मैंने 150 के ले लिए, क्योंकि 150 में मुझे ये लग रहा था कि 150 में तो कोई नुकसान नहीं, क्योंकि हम सिंपल कप भी लेकर के आते हैं ना जो अच्छे में होते हैं, तो वो भी 120 से तो शुरू ही होते हैं, तो 150 में फिर कोई वो नहीं है, थोड़े से अलग से हैं अच्छे लगेंगे। बेटे मान्या कर, तो कप के तो दो सेट मेरे पास आ चुके हैं, और एक ली थी हमने बोतल, दिखाई बेटा दिखा, एक बोतल ली थी, वो बोल रहे थे 250 रुपए की, बहुत मुश्किल से हमने जैसे तैसे बोल बोल करके 150 रुपए की ये बोतल ली, ये देखो है ना, मतलब पानी इसके अंदर ठंडा रहेगा, लेकिन शुरू दिन ही हमने जिस दिन ली थी सुबह में और शाम में ही हम खेत में गए थे, अब जब मैं बाद में खेत में गई थी मैंने वीडियो भी डाली थी, तो मैंने बोला बेटा कि आप ना इसमें पानी भर दो, क्योंकि ये बहुत जल्दबाजी करते हैं जब जाते हैं, तो मैं तब तक ना चाय पी लेती हूँ। तो आराध्या ने पानी भर करके और उसके हाथ में से फिसल गई और इसके ना देखो ऐसे टुकड़े हो गए, और मेरे को इतना वो हुआ कि कम से कम 2-4 बार तो यूज करने लेने देती बेटी, तुमने तो शुरू वाले दिन ही फोड़ दी, तो ये देखो वैसे तो अच्छी थी बोतल तो, लेकिन वही बात है क्या कर सकते हैं, है ना टूट गई तो फूट गई और क्या है। तो ये बोतल ली थी हमने, तो कई सामान मेरे अभी रह गए हैं, गैस चूल्हा पहले ही आ गया था, और एक जो ऑयल कंटेनर है उनकी जो ऊपर की कैप होती है वो हम मंगवा रहे थे, लेकिन वो कल पता नहीं क्यों ऑर्डर हो नहीं रहा था, हमने किया काफ़ी ट्राई किया फ्लिपकार्ट पर नहीं हुआ, तो आज दिन में देखेंगे अगर हो गया तो। और एक मुझे लेने हैं ग्लास, जो कांच के ग्लास होते हैं, क्योंकि वो भी हमारे पास नहीं है, सिर्फ वो भी 2-3 मुश्किल से रह गए हैं, मैं 12 लेकर के आई थी वो, लेकिन वो भी ऐसे ही कभी दो कभी टूट टूट करके, और इतने रह गए हैं, वैसे 2 साल पहले खरीदे होंगे मैंने वो, 2-2.5 साल पहले, टूट जाती हैं ऐसी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें हैं छोटी छोटी जो कि रहती हैं, तो वो भी मैं लेकर के आऊँगी जब जाऊँगी। तो मैंने सोचा कि चलो जो भी सामान आया है मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ,
क्योंकि एक वीडियो में तो वो वैसे भी नहीं दिखाया जाएगा, वो भी काफ़ी सारा सामान रहता है। तो हम किचन हॉल की दो वीडियो बना देंगे आप लोगों के लिए, और कैसा लगा आप लोगों को सामान ज़रूर बताइएगा मुझे कमेंट करके, और इनमें से कौन सी चीज़ आपको सबसे प्यारी लगी वो भी मुझे ज़रूर बताइएगा। तो चलिए अब कर देती हूँ मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड, और पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए फिर, और कल मम्मी के लिए, मम्मी आप लोगों के लिए मम्मी सरप्राइज, कल आप लोगों के लिए सरप्राइज है। तो चलिए फिर, बाय बाय, टेक केयर, बाय।